उमेशपाल हत्याकांड की साजिश में शामिल 50,000 के इनामी शाइस्ता परवीन जल्द ही गिरफ्तार हो सकती है। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक पुलिस 4 दिन पहले शाइस्ता परवीन के काफी करीब पहुंच गई थी। शाइस्ता को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया गया था। पुलिस को प्रयागराज में शाइस्ता के होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। 25 अप्रैल को एसटीएफ ने हटुआ पर रेड की थी। यहाँ बुर्का पहने कुछ मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस टीम का बहुत ही ज्यादा विरोध किया था। शाइस्ता उस दिन पुलिस के बेहद नजदीक थी, लेकिन एसटीएफ के हाथ आने से बच गई थी। पुलिस लगातार शाइस्ता की तलाश में जुटी हुई है। इस वक्त हम हटवा इलाके में मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले यहाँ पे एसटीएफ आई थी और बकायदा उन्होंने थाने के साथ बहुत सारी जो है पुलिस कर्मियों को भी लेके आए और इस पूरे इलाके का उन्होंने एक तरीके से मुआयना किया और यहाँ पे पुलिस की जो है एक तरीके से कहते हैं गश्त भी हुई। हमारे साथ पूरे गाँव के लोग मौजूद हैं और हटवा गाँव के लोग मौजूद हैं, पीछे महिलाएँ भी हैं। पुलिस जो आई तो सबसे पहले इस मस्जिद के पास आई, मस्जिद के पास आके फिर चूँकि लेडीज पुलिस भी साथ में थी और सारे लोग थे। आपको बताते चले, प्रयागराज से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हटुआ अतीक के भाई अशरफ का ससुराल है, जहां शाइस्ता देखी गई थी। सूत्रों की माने तो जब पुलिस की टीम रेड करने वहां पहुंची, तो बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस की टीम को घेर लिया। पुलिस आगे नहीं जा पाई और इसी का फायदा उठाते हुए शाइस्ता परवीन वहाँ से फरार हो गयी। अभी आधे घंटे पौने घंटे पहले हमको पता चला। अच्छा, ठीक है। और आप लोगों से कोई बात बात की या बिना बताए आ गए? हमसे बात ही नहीं हो पाई, हमको क्या पता है। अच्छा अच्छा, बिना बताए आ गए। जी जी जी। किसी से कोई मतलब घर वगैरह में भी घुसी या सिर्फ आके निकल गई? जी ये हमें नहीं पता, आई हुई थी पुलिस यहाँ पे, हम लोगों को खबर चली, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा अच्छा, बाद में पता चला पुलिस चली गई वापस। वैसे पूरा जी हटवा गांव है। अच्छा, अशरफ का ससुराल यहीं पे? जी जी, अशरफ का ससुराल तो यही। अच्छा, तो अशरफ यहीं पे रहते थे? और नहीं नहीं, यहाँ पे रहते नहीं थे, रिश्तेदारी है तो आना जाना तो बात पहले। किस लिए आई है हमें तो ये भी मकसद नहीं पता, किस लिए। जब आदमी चला गया तो क्यों परेशान किया जा रहा है, बेवजह क्यों परेशान किया जा रहा है। जब आदमी चला गया पुलिस कचहरी में, न्याय पालिका कानून को किताब पर रख दिया, आप भी जाने, आपका मैं वो भी सांसद जी भी स्वागत करते थे, ये नंबर था कि ऊपर चले गए। अब वो तो अल्लाह की मर्जी, मगर ये गलत हुआ। आप परिवार वालों को, उनके वालों को क्यों परेशान किया जाता है, फर्जी है, आप लोग कार्पोरेट करिए ना। सूत्रों की माने तो जब लोगों को इसकी जानकारी मिली कि पुलिस की टीम दबिश देने आ रही है, तब मस्जिद से एक अनाउंसमेंट भी की गई, जिसमें बाकायदा महिलाओं को घर से निकलने की अनाउंसमेंट की गई। इसी भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता फरार हो गई। बताया जा रहा है कि गद्दी मुस्लिम समाज के लोग शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। गांव में पुलिस किस वजह से? किस वजह से? क्या कारण? एक जन बोलो, कोई आदमी नहीं बोले, बोलने दो अकेला। क्या कारण था, किस लिए पुलिस आई, किस किसको पकड़ने आई? पहला इन्फॉर्मेशन करे या बोलने से, जिस घर में है उनको अगर कोई मुखबिरी मिली है या तो उनको कोई शक है तो उस घर के अंदर उस हिसाब से छापा मारे। आने के बाद पूरे गाँव वालों को क्यों परेशान कर रहे, पूरे गाँव बस्ती वाले को क्यों परेशान। आपको बता दें, 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या के बाद से माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम सहित हत्याकांड में शामिल सभी शूटर्स फरार हो गए थे, जिसके बाद से लगातार पुलिस इन सभी की तलाश में जुटी हुई थी। यूपी एसटीएफ के साथ झांसी में हुई मुठभेड़ में अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम मारे गए और माफिया अतीक और अशरफ की प्रयागराज के अस्पताल में मेडिकल के दौरान 3 आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसे में शाइस्ता परवीन ही है जिसे अतीक के काले साम्राज्य के सारे सच पता है।